Radio City Joke Studio. रेडियो सिटी जोक स्टूडियो में आपका स्वागत है। रेडियो सिटी 91.1 दिव्या आपके साथ है और हर रोज 11 से 12 अपने साथ रेडियो सिटी जोक स्टूडियो में लाती हूँ एक कमेडियन ऑफ द डे। आज बारी है सिराज खान की। खासियत यह है कि जब आते हैं अपने साथ कई सारी आवाजें अंदर से पैदा कर देते हैं। आई डोंट नो हाउ। आज बात करें हम बॉलीवुड के कई सारे लोग फेसबुक के बारे में। हाँ, वही फेसबुक जहाँ आपकी और मेरी दोनों की जिंदगी बसती है। आइए। सलीम, तुमने ये फेसबुक पे क्या पोस्ट किया है? गोइंग ऑन वेकेशन विथ GF और टैग किया है अनारकली को। अरे जहाँ आपने ही तो कहा था कि आपकी दवाई खत्म हो गई है, उसी को लाने के लिए शहर जाना था, बस उसी का पोस्ट है। ओके, अच्छा ये देखना, मान सिंह की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, इसका क्या करे? एक्सेप्ट कीजिए और क्या करेंगे भाई। मान सिंह आपको पिछले कई महीनों से फॉलो कर रहा है। सैनिको, पकड़ लो मान सिंह को और डाल दो तहखाने में। अरे रुक जाइए जहाँ पना, फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि वो आपका पीछा कर रहा है, इसका मतलब है कि वो आपके सारे पोस्ट सारे फोटोज देखता रहता है और लव वाले रिएक्शन देता है। अच्छा ऐसी बात है। वैसे तुमने मेरा नया पोस्ट पढ़ा? सुन पगली, तुझसे प्यार करता हूँ इसीलिए तू अभी तक सही सलामत है। अगर जिद होती तो तू हमारे महल में नृत्य कर रही होती। जहाँ पना, अगर आप इस तरह के पोस्ट डालेंगे तो सारी लड़कियाँ आपको ब्लॉक कर देंगी। ब्लॉक। रेडियो सिटी जोक स्टूडियो। ओए पापा, ये क्या पोस्ट कर दिया आपने? हाँ, ये पोस्ट करने वाली कोई चीज है क्या? बॉटल की पिक को अपलोड करके आपने ये लिखा है, सैटरडे नाइट फुल टाइट। बेटे ये मैंने नहीं डाला, मेरा फोन लेके बॉबी बैठा था, ये उसी की हरकत होगी। बेटे मुझे इसका आईडी और पासवर्ड दोनों पता है, चल इसके साथ भी ऐसा ही कुछ करते हैं। ठीक है पापा, चलो अभी लिखते हैं फीलिंग बेरोजगार और साथ में ये भी लिखते हैं वॉशिंग गुप्त। यार वैसे ये बता, किसी ने लाइक किया क्या? हाँ पापा, अल्ताफ चंकी और राहुल रॉय ने लाइक किया है। ये तो हैरानी की बात हो गई ना, अभिषेक ने अभी तक लाइक नहीं किया। रेडियो सिटी जोक स्टूडियो। आई क्या बात है सर, फेसबुक कर रहे हो, चलो अपना भी आईडी बना दो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो नहीं है। पता नहीं क्यों तुम्हारी बातें सुनकर मुझे मेरे बच्चों की याद आ रही है। वैसे इसके लिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। हाँ क्या बात क्या बात क्या बात, तो जल्दी बनाओ। अरे अभी लो भैया ये लो। हाँ ये हो गई तैयार। अरे इस पे तू कुछ भी कर सकता है, पोस्ट कर सकता है, कुछ भी ऐड कर सकता है, अपने फैमिली वालों को दोस्तों को। हाँ ये देखो पहला पोस्ट भी डाल दिया। अरे देखो तो सही क्या लिखा है, वो चक्कू चलाया तरबूज पे, तरबूज हुआ आधा, बॉलीवुड का हीरो कौन? शंकर दादा शंकर दादा शंकर। अरे ये क्या लिख दिया आपने? क्यों, मैं तो फेमस हो रहा हूँ ना है। इसे फेमस होना नहीं, जावेद अख्तर होना कहते हैं। क्या हाल है सर जी, आपको बुखार हो गया और आपने मुझे बताया भी नहीं। हाल तो खराब ही है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? फेसबुक पे फीलिंग सिक वाला पोस्ट देखा था आपका। अच्छा तुम भी फेसबुक पे हो? वाकई हमारा देश बदल रहा है। अच्छा तुमने मेरी कौन सी रिसेंट पोस्ट पढ़ी है, जल्दी बताना सही। वही कुछ आपने उर्दू में लिखा था, समझ नहीं आया लेकिन अच्छा था। देखो ज्यादा बोलोगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। उसमें लिखा था, इफ्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। सर जी फिलहाल जो है आप अपना मुंह को ब्लॉक कीजिए, नहीं तो हमारा फेस पिंपल से भर जाएगा। रेडियो सिटी जोक स्टूडियो।
ऑलराइट, तो ये है रेडियो सिटी जोक स्टूडियो में सिराज खान। बॉलीवुड की कई आवाजों को ऐसे आसानी से निकाल लेते हैं जैसे मैं अपने फेसबुक अपडेट कर लेती हूँ। अच्छा, कल 11 से 12 रेडियो सिटी जोक स्टूडियो में होगा कोई और आर्टिस्ट। हर रोज अलग कॉमेडियन ऑफ द डे के साथ होता है रेडियो सिटी जोक स्टूडियो, राइट हियर ऑन रेडियो सिटी 91.1। हर रोज 11 से 12 सुनते रहिए फिर।